हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एटम नंबर 1 से लेकर 30 तक, एलिमेंट नंबर 1 से लेकर एलिमेंट नंबर 30 तक, मतलब कि हाइड्रोजन एटम से लेकर जिंक एटम तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखें। तो आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आगे का जो लेक्चर होगा, यानी कि आगे का जो लेक्चर आएगा हमारा केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर, तो केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर को समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना नहीं आता है तो आप केमिस्ट्री सीख नहीं पाएंगे। केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन, कोई भी बॉन्ड को बताने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, और हाइड्रोजन एटम से लेकर जिंक एटम तक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे सिलेबस में है, इसलिए हम इसको लिखेंगे भी और इसको याद भी रखेंगे। याद कैसे रखेंगे? आप बार बार इसको लिखकर अपने कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। बार बार आप कॉपी में लिखेंगे 1 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। तो ठीक है, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो हाइड्रोजन एटम, सबसे पहला जो हमारा शुरुआत होता है एटम का, हाइड्रोजन से। तो सबको पता है कि हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर कहने का मतलब द्रव्यमान संख्या, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। हीलियम का कितना होता है? 2 होता है। तो पिछले लेक्चर, पहले के लेक्चर में हम बता चुके हैं कि जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी एटम का, उतना ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। तो बताओ कि हाइड्रोजन एटम के अंदर, अगर हाइड्रोजन एटम का 1 एटॉमिक नंबर है तो हाइड्रोजन एटम के अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर अगर 2 है तो हीलियम एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होगा। उसी तरह लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह हम हाइड्रोजन से लेकर 30 तक का एटॉमिक नंबर हमको पता है, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है, जितना द्रव्यमान संख्या होता है किसी एटम का, उतना ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, हर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि टोटल जो सबसेल है हमारा 3। सबसेल किसके ऊपर डिपेंड करता है? सेल के ऊपर। तो आज हम 3 सबसेल के बारे में, 1 हाइड्रोजन एटम से लेकर 30 तक का जो हमको सबसेल यूज होगा, वो 3 ही सबसेल यूज में आता है, एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे कि सबसेल क्या है। देखो, हमने अभी क्या बताया कि 1 से लेकर 30 तक का जो एटम है उसके लिए हमको 3 सबसेल यूज होगा। तो सबसेल किसके ऊपर डिपेंड करता है? सेल के ऊपर। तो n अगर हमारा 1 है, n इज इक्वल टू 1 है, तो n क्या बताता है? m बताता है सेल नंबर, स्मॉल n बताता है सेल नंबर, सेल नंबर। तो हमने क्या पढ़ा है, एटम, इंटेलिजेंट पेन ले लेते हैं, एटम
यहाँ पे न्यूक्लियस होता है हमारा सेंटर में, सेंटर में हमारा प्लस चार्ज का न्यूक्लियस होता है सेंटर, यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस है। ये कौन सा सेल है? के सेल, एल सेल और एम सेल। तो के के लिए एन का वैल्यू कितना होगा? के सेल के लिए एन इज इक्वल टू 1, एल सेल के लिए एन इज इक्वल टू 2, के एल एम और एम सेल के लिए एन का वैल्यू 3। उसी तरह के एल एम एन, एन सेल के लिए स्मॉल एन का वैल्यू 4 होगा। तो देखो अब हम सब सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल पढ़ लिया हमने, सब सेल के बारे में। सब सेल तो 1 से लेकर 30 तक का हमको 3 सब सेल काम में आता है। कौन कौन सा? एस सब सेल, पी सब सेल और डी सब सेल। तो एस सब सेल के अंदर कितना ऑर्बिटल होता है? 1 ऑर्बिटल होता है, ध्यान से समझना सब। पी सब सेल के अंदर कितना ऑर्बिटल होता है? 3 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। इसी ऑर्बिटल में आकर इलेक्ट्रॉन भराएगा। और डी सब सेल में कितना ऑर्बिटल होता है? 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4, 5। तो एस सब सेल जो है हमारा, एस सब सेल के अंदर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? एस सब सेल के अंदर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। दोनों इलेक्ट्रॉन भराएगा कैसे? एक अपवर्ड एरो से और दूसरा डाउनवर्ड एरो से। पी सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल है, तो 3 ऑर्बिटल में हमको पता है कि 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भराता है, तो 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरा सकता है? 6। कैसे भराएगा पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन? सबसे पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेगा। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन जब भरा जाता है पी ऑर्बिटल में, तब जाके इसका पेयरिंग होता है, तब जोड़ा लगता है। तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में भराएगा, वो डाउनवर्ड एरो से भराएगा। 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से टोटल एस सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन भराया? 2। पी सबसेल में मैक्सिमम हम कितना, मतलब अधिक से अधिक हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, किसमें? पी सबसेल में। और डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल है, तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भराएगा। कैसे भराएगा? पहले एक एक करके और इलेक्ट्रॉन भराएगा, और फिर उसका पेयरिंग होगा, मतलब जोड़ा लगेगा। तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अपवर्ड एरो से, ऊपर वाला एरो से, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ये वाला पांचवी ऑर्बिटल होता है किसमें? डी सबसेल में। डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया 5 ऑर्बिटल में। जो छठा इलेक्ट्रॉन भराएगा, वो डाउनवर्ड एरो से शो करेगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो 6, 7, 8वां इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड एरो से, 9वां इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 10वां इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम हम डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 10। तो याद रखना आपको कि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भराएगा। कहाँ? ये एस इलेक्ट्रॉन, एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम हम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं?
दो इलेक्ट्रॉन, एक अपवर्ड एरो से और दो दूसरा डाउनवर्ड एरो से। पी और पी सब सेल के अंदर हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और डी सब सेल के अंदर हम मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन चाहता है कि हम अपने लोवेस्ट एनर्जी में रहें। तो लोवेस्ट एनर्जी कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एस सब सेल में भराएगा, फिर पी सब सेल, क्योंकि एस सब सेल का एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन भराएगा, उसके बाद डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन भराएगा। जब एस सब सेल पूरी तरह से भर जाएगा तब इलेक्ट्रॉन पी में भराएगा, और उसके बाद फिर जब पी सब सेल पूरा भर जाएगा तब जाके डी में भराएगा। इसको देख लो यहाँ पे डायग्राम से। अपवाह प्रिंसिपल से देखो, अपवाह प्रिंसिपल ने क्या बोला था, 1s, 2s, 3s, 4s, 2s, 2p, 3p, 3d। कहां पे तो रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन को अलग अलग ऑर्बिटल में फिल करने का क्या रूल है, यहाँ पे हमको तीन रूल मिला। पहला है अपवाह प्रिंसिपल, पहला है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अपवाह प्रिंसिपल दूसरा, और तीसरा है हुंड्स रूल। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, दो। तो दो इलेक्ट्रॉन को अपवर्ड एरो और एक डाउनवर्ड एरो से शो कर सकते हैं, या फिर किसी भी ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है तो पहला इलेक्ट्रॉन को डाउनवर्ड शो कर दो तो दूसरा को अपवर्ड शो करोगे। हम कौन सा यूज करेंगे, ऐसे पहला इलेक्ट्रॉन को अपवर्ड से शो करेंगे और दूसरा इलेक्ट्रॉन को डाउनवर्ड। तो पॉली एक्सक्लूजन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एंड ऑर्बिटल कैन कंटेन ए मैक्सिमम नंबर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन एंड दीज टू इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी ऑफ अपोजिट स्पिन। और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होगा अलग अलग स्पिन का होगा। देखो, एक अपवर्ड एरो से शो किए, एक डाउनवर्ड एरो से शो किए, मतलब एक क्लॉकवाइज में घूम रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो अपोजिट है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी के दिशा में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो अपवर्ड एरो से शो कर दो, घड़ी के विपरीत दिशा में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसको डाउनवर्ड एरो से शो कर दो। अब दूसरा हमारा अपवाह प्रिंसिपल। अपवाह प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, अपवाह प्रिंसिपल बोलता है, इसको एन प्लस एल रूल भी बोलते हैं, अपवाह प्रिंसिपल को एन प्लस एल रूल से भी जाना जाता है। तो इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम फर्स्ट इंटर्स इनटू एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ लोवेस्ट एनर्जी। ये बोलता है कि किसी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एम्प्टी ऑर्बिटल में जाएगा, मतलब खाली ऑर्बिटल में पहले भरेगा जिसका एनर्जी सबसे कम होगा। तो यानी कि 1s में सबसे पहले भराएगा, फिर 2s में सबसे पहले, 1s जब फिल हो जाएगा तो 2s में जाएगा, 2s जब फिल हो जाएगा तो 2p में जाएगा, 2p जब पूरा तरह से भर जाएगा तो 3s में जाएगा। दूसरा लाइन क्या बोलता है, व्हेन लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल आर कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन देन इंटर्स इनटू ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी। जब
लोवेस्ट एनर्जी, सबसे कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जब फील कर गया तो इलेक्ट्रॉन उससे ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिट में जाके भराएगा। तो एनर्जी ऑफ सबसेल या ऑर्बिटल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, एन प्लस एल के। जिसका एन प्लस एल सबसे ज़्यादा उसका एनर्जी सबसे ज़्यादा, और जिसका एन प्लस एल सबसे कम उसका एनर्जी सबसे कम। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एल पिछले क्लास में, क्वांटम नंबर वाले क्लास में बताए थे, एल किस पे डिपेंड करता है, एन पे। तो एल का वैल्यू अगर जीरो आता है तो वो कौन सा सबसेल बताता है, एस सबसेल। एल का वैल्यू वन, पी सबसेल। टू, डी सबसेल। एल का वैल्यू थ्री, एफ सबसेल। तो वन एस, बताओ वन एस में एल प्लस एन प्लस एल का वैल्यू क्या होगा। वन एस में एन क्या है हमारा, वन, और एस क्या बताता है, जीरो। तो वन प्लस जीरो वन। तो टू एस, टू एस में एन कितना है, टू, मतलब एन क्या बता रहा है, सेकेंड सेल नंबर टू। और एस, एस एस जब एल का वैल्यू जीरो होता है तो टू एस में टू प्लस जीरो टू। टू पी में एन का वैल्यू बताओ, टू। पी का वैल्यू, पी के वैल्यू के लिए एल कितना होता है, वन। तो टू प्लस वन थ्री। थ्री एस में थ्री प्लस जीरो थ्री। थ्री पी में थ्री प्लस वन फोर। थ्री डी में थ्री प्लस टू फाइव। फोर एस में फोर प्लस जीरो फोर। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, 1s, क्योंकि 1s का एनर्जी सबसे कम, n प्लस एल का वैल्यू 1s का सबसे कम। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भराएगा, 1s में। फिर 1s के बाद किसका n प्लस एल वैल्यू ज़्यादा है, 2s का। तो इलेक्ट्रॉन किस किस में जाएगा, 2s में। तो 1s इज लेस देन 2s, मतलब 1s का एनर्जी 2s से कम है। 2s का एनर्जी 2p से कम है। 2p का 3s से कम है। 3s का 3p से कम है। 4s का 3d से कम है। और 4p का 5s से कम है। और 4d का 5s का 4d से कम है। अब देखो 3d में n प्लस एल का वैल्यू 5 है। 3d में n प्लस एल का वैल्यू कितना है, 5 है। और 4p में भी n प्लस एल का वैल्यू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 3d में भराएगा कि 4p में भराएगा, क्योंकि दोनों का n प्लस एल का वैल्यू 5 है। तो रूल बोलता है कि जब n प्लस एल का वैल्यू सेम आ जाए, जब n प्लस एल का वैल्यू सेम आ जाए तो इलेक्ट्रॉन उसमें भराएगा जिसका n का वैल्यू कम है। तो 3d में n का वैल्यू कितना है, 3। और 4p में n का वैल्यू कितना है, 4। तो इलेक्ट्रॉन पहले 3d में भराएगा फिर जाके 4p में भराएगा। तो इसीलिए पहले 3d में भराया तब 4p में भराया, ठीक है। तो जब n प्लस एल का वैल्यू सेम आ जाए तो n n देखना पड़ेगा। n जिसका कम उसका इलेक्ट्रॉन उसमें पहले भराएगा, उसका एनर्जी कम तो इलेक्ट्रॉन n पे डिपेंड कर जाएगा। तो अगले पेज पे चलते हैं। तो देखो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल ऑफ एटम कैन बी गिवन बाय n प्लस एल रूल। इफ n प्लस वैल्यू इज सेम फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल, द ऑर्बिटल विथ हायर वैल्यू ऑफ n हैज हायर एनर्जी। तो जब n प्लस एल का वैल्यू सेम आ जाएगा तो जिसका n ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा, और जिसका n कम उसका एनर्जी कम। तो n प्लस एल रूल को हम किसके इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये डायग्राम क्या कैसे बनाना है तुमको, 1s, 1s के नीचे 2s, 2s के नीचे 3s, 4s, 5s, 6s, फिर 2s के साइड में 2p, 3p, 4p, 5p, 3d, 4d, फिर 4f। तो हमको s p d f, अगर s p d तक हम समझ गए तो 1 से लेकर 30 तक का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो हमको तीन सबसेल के बारे में ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, किसके बारे में, s सबसेल, p सबसेल और d सबसेल। तो देखो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में भराएगा, फिर 1s जब भर जाएगा तो 2s में भराएगा, 2s भर जाएगा तो 2p में, 2p भर जाएगा तो 3s में, ऊपर से नीचे आना है, 3p भर जाएगा तो 4s में, फिर 4s भर जाएगा तब जाके 3d में भराएगा, फिर 5s में, फिर 4d में, 5p में, 6s में। तो ऊपर से नीचे आना है, 1s में भरा गया तो 2s में भराएगा, 2s में भराएगा तो 2p, फिर 3s। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रहा। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी बारे में, जिसका एनर्जी कम पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी देख लो, 1s इज लेस देन 2s,
2s इज लेस देन 2p, 2p इज लेस देन 3s, 3p, ऑर्डर ऑफ एनर्जी हमारा ये हो गया। इलेक्ट्रॉन इसी बेसिस पे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो इसी रूल का पालन करेंगे, 1s, 2s, 2p, 3s, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला जो हमारा वैल्यू है ये मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिस एटम में होगा उसके लिए n प्लस एल का रूल लगेगा। लेकिन वैसा एटम जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए n प्लस एल रूल नहीं लगता है, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन में एक ही एटम, एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक, तो कितना हो गया उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस के लिए n प्लस एल रूल नहीं लगता है। इसके लिए इनर्जी जो होता है n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो 1s का एनर्जी सबसे कम, फिर 2s, और 2s और 2p दोनों में n का वैल्यू 2 है तो दोनों का एनर्जी सेम रहेगा, 3s और 3p दोनों में n का वैल्यू 3 है तो 3s का एनर्जी 3p के बराबर होगा, फिर 3d इज लेस देन 4s और 4s, 4p, 4d इस तीनों का एनर्जी सेम रहेगा। तो एक्सेप्शन है हमारा कि n प्लस रूल एक एटम के, एक एटम वाले इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं लगता है, तो एक्सेप्शन माने अपवाद, अपवाद मतलब हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए n प्लस एल रूल का पालन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा था हमारा कौन सा, तीसरा हमारा हुंड्स रूल। तीसरा रूल क्या बोलता है कि दिस, तीसरा रूल कौन सा, हुंड्स रूल, हुंड्स के नियम हिंदी में बोलते हैं। दिस रूल डील्स विथ द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल ऑफ द सेम सबसेल, जैसे PDF, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन PD एंड F ऑर्बिटल कैन नॉट अकर अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ ए गिवन सबसेल कंटेन वन इलेक्ट्रॉन ईच। तो हुंड्स रूल बोलता है कि PD और F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक कि एक एक इलेक्ट्रॉन सबसेल में नहीं भरा जाए। देखो कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6, 1s2, 2s2, 2p2, तो 1s सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है मैक्सिमम, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया, s2s, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2p, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 1s2, 2s2, 2p3, 2, 2, 4, 3, 7, 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो इस 2p सबसेल को अपवर्ड एरो से भी आप शो कर सकते हो या फिर डाउनवर्ड एरो से भी शो कर सकते हो, आपकी इच्छा, हम अपवर्ड एरो को ज़्यादा प्रीफर करेंगे। फिर ऑक्सीजन, O8 में देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना इलेक्ट्रॉन होगा ऑक्सीजन का, तो 8 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p4, तो जो p ऑर्बिटल है उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन भराएगा, 1, 2, 3, 3 इलेक्ट्रॉन एक एक करके पहले भरेगा इसे, पी ऑर्बिटल, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है तो पी सबसेल में सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, एक एक करके 1, 2, 3, और जो चौथा इलेक्ट्रॉन है इसके बाद भरा जाएगा इस तरह से। तो पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरना, तब जाके पेयरिंग होगा। हुंड्स रूल यही बोलता है कि अगर एनर्जी सेम है किसी सबसेल का तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भराएगा और बाकी जो इलेक्ट्रॉन होगा तब जाके पेयरिंग शुरू होगा। तो अगले पेज में चलते हैं, अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में का एटॉमिक नंबर कितना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन, 1s1, तो इस इलेक्ट्रॉन को कैसे आप शो कर सकते हो, s, s के अंदर कितना ऑर्बिट होता है, एक, तो एक इलेक्ट्रॉन को अपवर्ड एरो से शो कर दो। हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आता है, मैक्सिमम 2 आ सकता है, तो एक अपवर्ड एरो और एक डाउनवर्ड एरो। तीसरा है लिथियम, क्या है, लिथियम एटॉमिक नंबर 3,
तो लिखो वन एस टू, 2s1, तो s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन और 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और ये तीन इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन हो गया 1s1, हीलियम 1s2, दो इलेक्ट्रॉन, लिथियम तीन, एटॉमिक नंबर तीन, तो तीन इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम चार इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर चार, तो 1s2, 2s2। बेरिलियम के बाद कौन सा आता है? बोरोन। बेरिलियम के बाद आता है हमारा बोरोन, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर चार, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 1s2 और 2s2, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? चार। बोरोन के बाद, बेरिलियम के बाद आता है बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, तो 1s2, 2s2, 2p1, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? पांच। देखो, दो दो चार एक पांच। बोरोन के बाद आता है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? छः, तो छः का कितना हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p2। ठीक है, तो देखो अफोआ प्रिंसिपल से बता रहे थे ना। अफोआ प्रिंसिपल ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन, अब बेरिलियम के बाद पांचवा, पांचवा कौन सा आता है? आता है पांचवा बोरोन। तो पांचवा आता है हमारा बोरोन। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर है हमारा 5, तो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 5 इलेक्ट्रॉन बोरोन के अंदर। 1s2, 2s2, s ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन भरा सकता है, और उसके बाद क्या आ जाएगा? 2p1, 2p1, तो भर दो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन। पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी सब सेल में कितना ऑर्बिटल होता है? तीन, तीन ऑर्बिटल होता है। एस सब सेल में कितना ऑर्बिटल होता है? एक, तो यहाँ पे एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच इलेक्ट्रॉन बोरोन के अंदर आ गया। बोरोन के बाद आता है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तो कितना होगा? 1s2, 2s2 और 2p2, कितना हो गया? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 6 इलेक्ट्रॉन को भरो यहाँ पे, s में एक ऑर्बिटल, s सब सेल में एक ऑर्बिटल और p सब सेल में तीन ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल। तो दो इलेक्ट्रॉन 1s में आया, दो इलेक्ट्रॉन 2s में आ गया और दो इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आएगा, एक, दो। ठीक है, इसी तरह कार्बन के बाद क्या है हमारा? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 1s2, 1s2, 2s2, 2p3। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अगर हम सिंबल दिखाना चाहें कि इलेक्ट्रॉन कैसे भराया, तो देखो कैसे भराएगा इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन एटम के लिए देखो, सबसे पहले 1s, फिर 2s और फिर 2p। 2p में कितना ऑर्बिटल होता है? p और p सबसेल में तीन ऑर्बिटल होता है, तो पहले 1s में, 1s में दो इलेक्ट्रॉन भर दो, 2s में दो इलेक्ट्रॉन भर दो, फिर कौन सा बच गया? ये हमारा 1s हो गया, ये हमारा 2s हो गया और ये 2p। तो p में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? दो दो चार और तीन, तीन इलेक्ट्रॉन आएगा एक एक करके, एक, दो और तीन, कितना टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया? 7। तो नाइट्रोजन एटम के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होता है टोटल, दो दो चार और तीन, सात, सात इलेक्ट्रॉन। आठवां है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटम के अंदर एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना है? 8। तो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा ऑक्सीजन में? 8। तो ऑक्सीजन का हम बनाते हैं, देखो यहाँ पे कैसे बनाओगे? 1s2,
2s2 2p4, तो बना लो इसी तरह से 1s, ये दोनों तो सेम ही रहेगा, 1s 2s 1s 2 2s 2, चेंज किस में आएगा, 2p4 में। तो 2p4 में ऑक्सीजन के लिए क्या चेंज आएगा, तीन पी में तीन ऑर्बिटल होता है, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भराएगा पी में, 1 2 3, और कितना बच गया, 3 1 4, पी में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऑक्सीजन में कैसे भराएगा। फिर आता है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन में क्या होगा, 1s 2s 1s 2 2s 2, चेंज कहाँ पे आ गया, 2p4 से 2p5 हो गया, ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो फ्लोरीन में, तो पांचवा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल में कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 और 5 9। फ्लोरीन के बाद आता है नियोन, तो 2p5 से क्या हो गया, 2p6, तो इलेक्ट्रॉन को काउंट करो, 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 6 10, नियोन का एटॉमिक नंबर 10, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10। तो जो 10वां इलेक्ट्रॉन आएगा वो पी ऑर्बिटल में आ जाएगा, तो नियोन का बना देते हैं, नियोन का सिंबल ऑर्बिटल 1s2 2s2, और ये हमारा हो गया 2p6। तो नियोन का जो पी ऑर्बिटल है पूरा तरह से भर जाता है, पी ऑर्बिटल भर गया, 1s भर गया, 2s भर गया, और 2p भी पूरा तरह से भर गया नियोन। नियोन के बाद कौन सा आता है हमारा, सोडियम, सोडियम में कैसे भराएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 11। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में क्या होगा, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का लिखो 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6, और फिर 3s2, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, टोटल 12। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 13, काउंट करो, 2 2 4 तो 6 10 2 12 1 13। सिलिकॉन, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, 14। सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा टोटल, 15 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। फॉस्फोरस के बाद सल्फर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। सल्फर के बाद क्लोरीन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। उसके बाद आर्गन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया आर्गन के अंदर, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसका जो 3s सबसेल है, 3s और 3p फुल हो गया, यानी 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो आर्गन के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे आया, देखो कैसे इलेक्ट्रॉन को आप कैसे बताओगे, दो पहला सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया, पहला 1s2 और 2s2, 2 2 4, यहाँ देखो 2 2 4 6 10, दो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ दो, देखो यहाँ पर फिर से जो आर्गन है, आर्गन के अंदर 1s2, तो दो इलेक्ट्रॉन, 1s2 के बाद 2s और 2p6, तो दो इलेक्ट्रॉन 2s में और 2p6 में, कितना, 6, तो 6 दो कितना हो गया, 8, तो पहले दो इलेक्ट्रॉन भराया, फिर 8 भराया, और उसके बाद 3s में कितना हो गया, 3s में 2 और 3p में 6, तो 6 2 8। तो जो आर्गन के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन भराया, 2 8 8, टोटल कितना हो गया, 2 8 8 8 2 16 2 18 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब आर्गन का जो और क्या बोलते हैं, आर्गन का जो वैलेंस सेल है वो पूरी तरह से फिल हो गया। वैलेंस सेल मतलब बाहर वाला सेल, बाहर वाला सेल कौन सा है, 3p, 3 से n = 3, यानी थर्ड सेल जो है वो पूरा तरह से फिल हो गया। थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 8, तो 2 8 8।
18 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन के लिए। आर्गन के बाद आता है हमारा कौन सा, आर्गन के बाद आता है पोटेशियम। पोटेशियम इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर पोटेशियम का कितना हो गया 19, तो 19 इलेक्ट्रॉन आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। उसके बाद कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। उसके बाद टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 12 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। उसके बाद आता है हमारा वैनेडियम। वैनेडियम एटॉमिक नंबर 23, तो 23 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 3d3। उसके बाद आता है क्रोमियम। क्रोमियम जो है हमारा एक्सेप्शनल गैस है, अपवाद है। क्रोमियम में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन 4s 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आता है और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो डी ऑर्बिटल है हमारा, डी ऑर्बिटल में डी और डी सब सेल में कितना ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल होता है। तो इसमें जो डी ऑर्बिटल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, ताकि इसका एक्सेप्शन ये बोलता है फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। तो जो क्रोमियम का जो ये क्रोमियम में क्या हो गया, डी ऑर्बिटल में टोटल आ सकता था 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमने भरा कितना 5 इलेक्ट्रॉन। तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन इसमें हम भर देते हैं तो हमारा जो करेक्शन है वो सही हो जाता है, स्टेटमेंट सही हो जाता है कि ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, आ सकता था 10 इलेक्ट्रॉन लेकिन आया डी में 5 ही इलेक्ट्रॉन, यानी हाफ फील्ड। हाफ फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, तो क्रोमियम में हम इसीलिए स्टार मार्क कर दिए कि क्रोमियम का जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, 4s1 3d5। बाकी मैग्नीज का उसी तरह सेम चलता आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। फेरस का 4s2 3d6। उसके बाद जो हमारा एक्सेप्शन आता है कॉपर। कॉपर में जानते हैं कि फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, तो डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। डी सब सेल में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, 10, 1 2 3 4, डी 3d 3d 10। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भराएगा 3d में, 5 5 हो गया, 1 2 3 2 5, फिर 6, फिर 7 8 9 10। तो क्रोमियम का जो है हमारा एक्सेप्शन आ जाता है, क्रोमियम में ध्यान से तुम लोग इलेक्ट्रॉनों को भरना। उसके बाद आता है जिंक, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो क्रोमियम क्रोमियम और कॉपर दो हमारा स्टार मार्क है। यहीं पर यहाँ पे हाफ फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होता है और यहाँ पे फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s1। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर 3d में चला जाता है, ज़्यादा स्टेबल होने के लिए, मतलब ज़्यादा स्थायी होने के लिए, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 4s1 3d10 हो जाता है। उसके बाद जिंक, तो एक से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर आपको लिखना है और याद करना है। इसको बिना याद किए अगला चैप्टर आपको केमिकल बॉन्डिंग समझ में नहीं आएगा। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आया है समझ में तो आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए।